बहरोड विधायक ने 14 सूत्री मांगों को लेकर खेतड़ी में लगाई दौड़। बोले, युवाओं के भविष्य के साथ हुआ खिलवाड़। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने 14 सूत्री मांगों को लेकर खेतड़ी कस्बे में दौड़ लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। कस्बे के मुख्य बस स्टैंड से दौड़ शुभारंभ किया गया, जहाँ मुख्य बाजार स्थित रामायण सत्संग चबूतरा परिसर में सभा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर पारस वर्मा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निरंजन लाल सैनी, कृष्ण यादव, विपिन यादव, सुनील सैनी, विष्णु कुमार नायक, संजय कुमार सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ग्रेटनेस है मेरे राजस्थान के युवाओं की, यहाँ की जनता की। ये मेरी 80वीं विधानसभा है, सभी जगह ऐसी भीड़ आ रही है और वो भीड़ कोई मेरे को देखने नहीं आ रही है। वो भीड़ जो 14 सूत्री मांगे हैं उनको लेके उनके समर्थन में आ रही है। और मैंने राजस्थान के विधानसभा में यही कहा कि ये 14 सूत्री मांगे बलजीत यादव की मांग नहीं है, ये राजस्थान के 36 कौम के बेरोजगार युवाओं की मांग है, राजस्थान के 8 करोड़ जनता की मांग है। राजस्थान का जवान चाहता है 1 साथ 5 लाख भर्ती निकले, भर्ती कैलेंडर जारी हो और एक कानून बने कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी उसमें 100% राजस्थान के स्थानीय जवानों को नौकरी मिलेगी, सेना में भर्ती पहले के जैसे ही हो, भर्ती प्रक्रिया में सुधार हो, जिस लेवल की परीक्षा हो वैसी प्रश्न पत्र मिले, जिस कॉन्स्टेबल की परीक्षा में IAS का जैसा पेपर देते हैं, जबकि कॉन्स्टेबल बलिष्ठ होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, दौड़ भाग करने वाला होना चाहिए। इन चीज़ों को ही लेकर के पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगे। हमने तो सरकार से मांग करी कि एक खून की सजा फांसी है तो लाखों बेरोजगारों के सपनों का खून करने वालों का एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को, तभी ये पेपर लीक रुक सकते हैं। किसान को उसकी फसल का पूरा दाम मिले, किसान के खेत को पानी मिले, यमुना का समझौता हो रखा है कि झुंझुनू को पानी मिलेगा, लेकिन चूरू झुंझुनू को लेकिन अभी तक पानी का कोई अता पता नहीं है, खेत वीरान हो रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था नदियों को जोड़ेंगे, जहाँ बाढ़ आती है उस पानी को जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पहुँचाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वही चंबल का पानी है वो गंगा में बह के व्यर्थ चला गया, खतरे के निशान से ऊपर बह गई गंगा। पिछली सरकार ने बजट जारी किया, इस सरकार ने 1 साल पहले जारी किया, अभी फिर कर दिया, लेकिन एक फावड़ा भी किसी सरकार ने नहीं चलाया। इसलिए सवाल सरकारों की इच्छा शक्ति पे कि किसान और मजदूर और जवान सिर्फ चुनाव के वक्त याद आते हैं लेकिन जीतने के बाद में कोई उनकी सुनवाई नहीं करता। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के और मैं 200 विधानसभा में जाने का मैंने संकल्प लिया है। 10.5 महीने पहले मैं जयपुर में सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक दौड़ा था तो मुझे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वचन दिया था कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन अभी विधानसभा के अंदर जवाब आया कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है इसलिए तुरंत अभी पूरा नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जवान दे के मुकर गया अपने विधायक को तो फिर इसके अलावा तो बाकी क्या रहेगा। सरकार को समर्थन भी दे रखा है क्या, काम माननी मांगे नहीं मानी जा रही समर्थन देने के बावजूद? समर्थन दे रखा था समर्थन और विश्वास पे दुनिया टिकी, यही तो मैंने कहा। राज्यसभा चुनाव के वक्त भी मैंने खुला मीडिया के सामने है, सब में छपाव कर दिया, कोई भी पार्टी मुझे कह दे तो सत्ता वाले कह दें कि हम ये कानून बना देंगे, युवाओं के फेवर में इनकी मांगे मान लेंगे, उसको वोट दे दूंगा, या BJP वाले मुझे लिखवा के दे दें मोदी जी से कि अगर हमारी सरकार कभी आई तो हम ये कानून बना देंगे कि राजस्थान में सरकारी नौकरियों में राजस्थान के निवासियों को 100% नौकरी देंगे, तो मैं उसको वोट दे दूंगा। मुझे मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था, मीडिया में सारे के सामने बोला, मेरे पेज पे आज भी पड़ा है सब बोला, लेकिन अभी उसको कानून के लिए मुकर गई। तो मैंने तो यही कहा भाई, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, विश्वास में दुनिया टिकी है, विश्वास कहीं ना कहीं करना पड़ता है। विश्वास किया, हमारे साथ विश्वासघात हुआ, तभी तो सड़कों पे बलजीत यादव है। विश्वासघात केवल बलजीत यादव पे नहीं है, वो तमाम युवाओं के साथ में विश्वास का। क्या गहलोत सरकार का विरोध है ये? निश्चित रूप से विरोध है, इसमें बाकी क्या बच गया। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जवान देके मुकर गया MLA को, इससे ज़्यादा अफसोस की कोई बात नहीं होती। ये मैं विधानसभा में सरकार को बोल करके आया हूँ और मैं तभी संकल्प लिया है कि मैं जाऊँगा और राजस्थान की जनता को बताऊँगा कि मुख्यमंत्री अपने वचन से मुकर गया और जनता को जागरूक करूँगा और निश्चित रूप से सरकार पर हम दबाव बनाएंगे कि हमारी मांगों को। धन्यवाद। जो विद्या संबल से महाविद्यालयों में प्रोफेसर लगे हैं वो 2022-23 का उनका बजट नहीं दिया गया इसका, इसलिए उनका कार्यकाल पूरा हो गया। हमारी सरकार से मांग है उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए जिससे महाविद्यालय का सिलेबस पूरा हो सके, पाठ्यक्रम पूरा हो सके, आगे एग्जाम भी आने वाली है। दूसरी मांग ये थी जो अग्निपथ में युवाओं की मुकदमे में लगे थे वो मुकदमे भी राज्य सरकार वापस ले, ये 2 प्रमुख सूत्री मांगी थी युवाओं की और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की।